अस्सलाम वालेकुम। मैं आज जूस बना रही हूँ। ये नींबू ये पुदीना है, इसका जूस बनाना है। ये है ना ये अनार का जूस बना रही हूँ। ये अंगूर है, काले अंगूर, जो काले में पीते ना बाहर पीने का, घर में बना के पीना। यहाँ है तरबूज का जूस। ये है ना बालक का सबसे कभी ये शुगर सिरप है, पानी डालकर इसको पका लिए। नींबू, पुदीना, जरा मोटा मोटा इतना पनकुट्टी में इसमें, यह है ना जरा नमक, सॉल्ट, शीरा बनाया, थोड़ा पिंक नमक, शरबत, नींबू, थोड़ा पानी डाल, काले में सफरा चक्कर, ये नहीं ठंडा ऐसा बना के पीना है। नींबू का, नींबू पीना, पिंक नमक, शक्कर का शरबत, थोड़ा पका बना के रखे अलग, इसमें मिला दे। वाटरमेलन जूस बनाना, ये तरबूज, तरबूज का शरबत बना रहे। इसको ग्राइंडर कर लेंगे, थोड़ा सॉल्ट, पानी डाल के जरा पका दिए। इसमें शुगर का पानी डाले, ये पुदीने के पत्ते थोड़े डालना, तरबूज है ना गिरण कर ले, नमक थोड़ा, ये आधा चम्मच ब्लैक पेपर या वाइट पेपर, काली मिर्ची, उसको है ना पीसे, देखो ऐसा तो पीस के छान लेना ऐसा। एक तरबूज का शरबत, थोड़ा आधा चमच पिंक नमक, आधा चमच काली मिर्ची का पाउडर, और ये शक्कर का पानी पका के रखे थे, शक्कर का पानी 2 चमचे 3 चमचे 1 चमचे से इसको ग्राइंड कर लेना है। ये
ये पीस लिए अनार के दाने इधर। ये काले अंगूर का जूस बना रहे हैं इसका। थोड़ा काला ना मिट्टी का पाउडर ये थोड़ा है ना शक्कर का शरबत बना के रखे थे। फिर दिए देखो अंगूर ऐसे दाना इसको छानना नहीं। नींबू पुदीना ये है सो तरबूज ये अनार ये अंगूर।